हेलो एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज मेरे मेकअप वाले दोस्त ज़रूर सच हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन। नया फाउंडेशन ट्राई कर रही हूँ आज मैं, एक्चुअली पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी कर लिया है जिसकी फिनिश मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और मेरा मन किया है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आपको मेरी फुल कवरेज फाउंडेशन वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं। सो हेयर आई एम अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपके पास कोई मेकअप से रिलेटेड और रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड ऑफ द डे तो लाइक जरूर करना। दैट्स इट। पहले ही मैंने मेरे बालों को वॉश किया है, सो वो वेट हैं, चिंता मत करें। सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, वैसे आज ग्लूमी दिन है पर फिर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सो सबसे पहले हम लगा लेंगे लिप बाम, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। चंगी दिल खुल के अमाउंट में लगा लें। अब मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए यूज़ करूँगी मैं NYX का नो फिल्टर ब्लरिंग प्राइमर, ब्लरिंग प्राइमर। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो चिक्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं। तो भी मेरे चंगे सखी सहेलियाँ हैं जिनके पोर्स हैं आँखों पे, नॉट आँखों पे, ओ शूट, आँखों पे, जिनके भी चिक्स पे पोर्स हैं उनको ऐसा कुछ प्राइमर यूज़ करना चाहिए जो कि यूज़ करके हमारे प्राइमर गुम जाएं। सो मैं इसे सारी प्रॉब्लम वाली एरिया पे लगाऊंगी। ये एक्चुअली कलर्ड है, लाइक टिंटेड है थोड़ा, आई डोंट नो किड़ी खुशी में उन्होंने टिंटेड बना दिया है, पर यार ये टिंटेड है। सो इसे हम फिंगर्स की मदद से पोर्स में फिल कर देंगे, ताकि क्या हो जब हम फाउंडेशन लगाएं तो कमाल हो जाए। आज मैंने जोगी याद करना बिच कच दियाँ मुंद्रा, वैसी मुंद्रा पहन ली हैं। मैं यूजली पहनती नहीं हूँ पर मैंने आज अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं पहनूंगी, देखी देखी जाऊंगी। बाला तो मैं बहुत परेशान, पर आज मैं अपने आप को ये भी शायद चैलेंज देने वाली हूँ कि बालों को कर्ली ही रखा जाए। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलती हूँ पर जब मैं वीडियो को एडिट करती हूँ ऐसे लगता है कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। सो आज मैं एक्स्ट्रा ही एनर्जी के साथ बोलूँगी, ज़्यादा लाउड। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड हूँ तो प्लीज़ बताने में गुरेज मत करना, बता देना। मैंने मुझे बालों को धोए, 2 घंटे होंगे, अभी भी वो बेचारे गरीब से गिले ही हैं। आई डोंट नो, वेट करते हैं। ओह एक्चुअली ये प्राइमर में भी थोड़ी सी कवरेज है, राइट? सो अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। आज जो मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो मुझे आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये है बैका का स्किन लव वेटलेस ब्लर फाउंडेशन। बिकॉज ये ब्लर है शायद इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है। सो आज हम इसी फाउंडेशन को रिव्यू करने वाले हैं। सो जो शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है बैका, नो बैका तो ब्रांड है, जो मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ वो है कैफे। और आई डोंट नो क्यों मेरे लफ्स इधर उधर हो रहे हैं आज दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी। एक्स्ट्रा एनर्जी को फेक करने के चक्कर में गल्लां भी इधर उधर हो रही हैं। सो इसे मैं ले रही हूँ अराउंड 1.5 पंप, पूरा दूसरा पंप नहीं लेंगे। और मैं लेने वाली हूँ इसको ब्रश, मॉर्फी के इस ब्रश पे जिसका नाम क्या है, सो E44 ब्रश पे लेके इसे मेरे चेहरे पे हर तरफ स्प्रेड कर लूँगी। देन हम डबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करेंगे। और ये जो फाउंडेशन है काफ़ी थिक है, सो ब्रश पे लेके इसका जो कलर मैच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरी स्किन के साथ काफ़ी मैच करता है। वैसे नए फाउंडेशंस को ट्राई करने में बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव किस्म की है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और जब मैं मेरी स्किन को ऑलमोस्ट सेट करती हूँ लाइक बहुत अच्छा स्किन केयर करके, आलतू फालतू चीज़ें करके, और फिर नया फाउंडेशन ट्राई करने में मुझे इतना डर लगता है कि क्या वो मेरी स्किन को दोबारा ख़राब नहीं कर दे। सो ये फाउंडेशन मैंने क्यों ट्राई किया, क्योंकि मैं सेफोरा से कुछ सामान खरीद रही थी तो मुझे पता चला कि सेल पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ है। सो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि वाह ये तो कमाल हो गया, क्योंकि यूजली ऐसी सेल मिलती नहीं है सेल पे 20% सेफोरा पे। सो मैंने सोचा कि चाती मारते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये फाउंडेशन था, वैसे ही सेल पे था, उसके बाद उसके ऊपर 20% ऑफ था। मुझे लगा कि यार अगर मेरा शेड इसमें मिल जाएगा मुझे तो मैं ट्राई कर लेती हूँ या। और फिर क्या हुआ कि ये जो सेफोरा का शेड फाइंडर है ना वो बहुत अच्छा है। अगर आप बता दें कि किसी और ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला शेड यूज़ करते हो तो वो आपको परफेक्ट शेड ढूंढ के दे देता है। तो ये वाला शेड उसने मुझे ढूंढ के दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन के साथ मैच करता है। वैसे भी मुझे थोड़े डार्क किस्म के फाउंडेशन ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर जब आप हाईलाइट करते हैं तो परफेक्शन सी आ जाती है। अगर आप पहले से ही सफ़ेद सा लगाएं तो फिर चेहरा चिट्टा हो जाता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या फिर अगर ज़्यादा डार्क हो तो फिर चेहरा काला हो जाता है जो भी अच्छा नहीं लगता। सो अच्छा हमें क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है कि हमारे चेहरे के साथ मैच कर जाए। सो ये मैच कर गया और देखिए कि कितनी अच्छी कवरेज है, और इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है। ये थिक सा फाउंडेशन है और
चेहरे पे बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं फील होता। सो अब मैं मेरे चेहरे को हाईलाइट करूंगी। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ Maybelline का Fit Me कंसीलर शेड लाइट, और क्योंकि ये जो शेड है सो खत्म होने वाला है दोस्तों ये। Fit Me का ये जो कंसीलर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है और बहुत आसानी से ब्लेंड होता है, और यूजली ये ज़्यादातर आपको सेल पे मिल जाएगा। लाइक वॉलमार्ट में भी ज़्यादातर सेल में होता है, $6 में उस पर भी सेल होती है, या फिर शॉपर्स में भी सेल पे लगा रहता है। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूजली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, सो वो नहीं करेंगे हम। ज़्यादातर मैं इसको ब्लेंड करने के लिए छोटा ब्रश ही यूज़ करती हूँ, ताकि जो मैंने हाईलाइट लगाया है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाए, जगह पे रहे, और ज़्यादा बातें नहीं करते हो इसे ब्लेंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। डैबिंग मोशन में ही हम इसे करेंगे। जो मैंने पहले फाउंडेशन यूज़ किया है बेका का, उसकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे अलग से कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आपके स्कार्स अभी भी दिख रहे हैं तो चिंता ना करें, नन्ही सी अमाउंट लें कंसीलर की। कौन सा कंसीलर है ये? फिट मी का, Maybelline का फिट मी कंसीलर, बट द शेड नेम इज कैरमेल। सो इसे लें और सिर्फ स्कार वाले एरिया पर डैब कर लें। एक्चुअली ये ब्रश भी अभी बड़ा है, अगर आप सिर्फ स्कार को ही हाइड करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ब्रश को छोटा कर लें, ताकि आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हो और ज़्यादा चेहरे पे प्रोडक्ट नहीं लगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को पैक ऑन करते रहते हैं तो फिर वो केकी लगना शुरू हो जाता है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरी ये सीधी सादी लैंग्वेज आई होप आपको समझ लग रही होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें करूँ कि ऐदा करो और आपको पता नहीं चले। मैं चाहती हूँ कि सारे दोस्तों को पता चले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जब आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ, अच्छी टीचर की तरह, एंड आपको मेरी बातें समझ में आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें। सो अब ये हमारे पास चीज़ आ चुकी है, सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल कवरेज फाउंडेशन टिकेगा तभी अगर आप सेट करेंगे उसको, आप इतने ढंग से सेट कर सकते हैं। मैं लूज पाउडर से सेट कर लेती हूँ जिस एरिया को मैंने हाईलाइट किया है, अगर ज्यादा किया हो तो। मैं आजकल लॉरा मर्सिये का लूज पाउडर यूज करती हूँ, शेड का नाम है हनी। इसमें थोड़ा सा टिंट है, लाइक ब्राउन लोगों के लिए, मीडियम स्किन के लिए। अगर आप ट्रांसलूसेंट यूज़ करना चाहते हो और हाई एंड में स्पेंड करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पाउडर है, इसमें ज़रूर से स्पेंड कर लें। एक्चुअली इसकी छोटी सी डब्बी भी आ जाती है, सो अगर ट्राई करना है पहले वो छोटी सी ले लें, फिर बड़ा ले लें। अगर आप लूज पाउडर जाना चाहते हैं कोई अफोर्डेबल, तो ये रिमल लंडन का मैच परफेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा काम करता है ये, बिल्कुल हाई एंड जैसा ही है। फेस को सेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं Maybelline का फिट मी पाउडर। ये जो शेड है वो लाइट है, जो मीडियम है वो फिर मेरे चेहरे को बहुत ज़्यादा कर देता है। सो आज इसी को यूज कर लेते हैं। इसको मैं लूंगी एक अच्छे साइज के ब्रश पे। मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि लूज पाउडर को मैं उसी एरिया पे लगाऊं जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। सो इससे मैं लगाती हूँ इस एरिया पे, काइंड ऑफ बेक कर लेती हूँ कि ज्यादा लंबे समय तक टिके। बाकी एरिया को सेट करने के लिए दूसरा पाउडर यूज करती हूँ, जो है प्रेस्ड, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कवरेज है, और बिकॉज हम फुल कवरेज के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये है NYX का नो फिल्टर पाउडर। जो शेड मैं यूज कर रही हूँ वो है मीडियम ऑलिव। ये शेड मेरे ऊपर परफेक्ट काम करता है, क्योंकि मेरी स्किन के साथ काफी ज्यादा मैच करता है, पता भी नहीं चलता कि मैंने लगाया है। और इसे जरूर से लगाएं, इसे या कोई भी पाउडर को, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है बट फिर भी लगाएं। पाउडर लें, एक्सेस को उतार दें, थोड़ा सा प्रोडक्ट रह जाए ताकि आपकी जो फेस है सेट हो जाए। पर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली तो है, पर ऐसे आपको ऑयल इतना दिखता नहीं है मेरी स्किन पे, सो काइंड ऑफ ड्राई जैसा ही काम करती है वो, पर फिर भी ड्राई नहीं है, ऑयली ही है। अब मैं इस पाउडर को बड़े फ्लफी ब्रश के साथ रिमूव कर रही हूँ। एंड जो भी दोस्त ब्रशेस के बारे में पूछते रहते हैं, चिंता नहीं करें, हम ब्रशेस पे जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे। मेरे फेस को थोड़ी सी शेप देने के लिए मैं यूज करती हूँ कॉन्टोर। मैं यूजली डार्क पाउडर यूज कर लेती हूँ, अगर फेस पाउडर है डार्क लेके उसे मैं कॉन्टोर कर लेती हूँ। एक्सेस स्पेशल ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स ही नहीं लेती हूँ, वैसे जो ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजली शाइनी होते, तो जो पाउडर है वो बहुत ज्यादा क्रीमी एंड वेलवेटी सा होता है, तो उसे ब्लेंड करना बहुत आसान है। कॉन्टोर अच्छा होता है और अफोर्डेबल होता है, सो फिट मी के जो पाउडर है ज्यादातर सेल पे होते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं कॉन्टोर करने के लिए, वो ले लें। मैं ज्यादातर वो यूज करती हूँ, पर आज मैं यूज करने वाली हूँ ओफ्रा का वर्सटाइल मैट ब्राउन्स शेड ब्राउन्जर। इसमें कोई भी ज्यादा शाइन नहीं है, सो इसी से मैं मेरे फेस को कॉन्टोर करूंगी। ब्रश मैं कुछ इस किस्म का यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जगह जगह पे रहता है और इधर उधर ब्राउन्स नहीं होता। अगर आप बहुत बड़ा ब्रश यूज करते हो तो सारा फेस ही ब्राउन्स हो जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो इससे लेंगे, उतार देंगे, और जिस एरिया में नेचुरली शेडो क्रिएट होती है, लाइक चिक बोन्स पे, ये डबल चिन पे और नोज पे,
और हेयर लाइन पे हम थोड़ा थोड़ा ब्राउन्जर लगा लेंगे ताकि जो हमारा मेकअप है किस्म का नेचुरल लगे। यहाँ पे बालों में ऐसे सफेद अजीब लगता है। अगर आप स्टिल ब्राउन्जर खरीदना चाहते हैं तो मेबेलिन का सिटी ब्राउन्जर अफोर्डेबल एंड अच्छा है। तो इसी तरह आपका नन्ना मन्ना सा कॉन्ट्रोल हो जाएगा। नोज को कॉन्ट्रोल करने के लिए ब्रश को छोटा कर लें ताकि सारे नोज को ब्राउन नहीं कर लें, सिर्फ थोड़े से एरिया को करें जहाँ पे रियली जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे ज्यादा प्रोडक्ट लगा लिया है और ज्यादा डार्क लग रहा है तो डर्टी फाउंडेशन ब्रश के साथ उसको डैब डैब कर दें ताकि थोड़ा नेचुरल हो जाए, या फिर जिससे आपने अपने फेस को सेट किया है वो पाउडर यूज कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारा फाउंडेशन रूटीन फिनिश हो गया। जब हमारा मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा तो हम यूज कर लेंगे सेटिंग स्प्रे। उसके लिए मैं यूज करूंगी मेबेलिन की लास्टिंग फिनिश, क्योंकि ये मस्त काम करती है और आपका मेकअप लास्ट हो जाता है 24/7। आपको 24/7 डेज उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीरियस मत लें दोस्तों, उतारने की जरूरत पड़ेगी पर शाम तक वैसे ही रहेगा और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि वाह तुमने मेकअप कैसे किया है, ये तो हिला भी नहीं है। सो या ऐसे करें आप। अब मैं वापस आती हूँ मेकअप करने के बाद और मैं चर्चा करूंगी आपके साथ आलतू फालतू कोई भी चर्चा। दैट्स मी। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ मेरा आई मेकअप करने के बाद। आज मैंने ब्राउन स्मोकी आई लुक क्रिएट की है और मैंने इसकी वीडियो भी शूट की है। यस, मैंने मेरे फेस को सेट कर लिया है स्प्रे के साथ। अब ये फुल कवरेज फाउंडेशन पूरा दिन रहेगा और आप इसकी फिनिश देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपको चिंता है कि आप जब फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका चेहरे पे टेक्सचर बहुत ज्यादा दिखता है, तो मेक श्योर करें कि आप अपनी स्किन केयर पे समय स्पेंड करें। लाइक एक्सफोलिएट करा करें हेयर देयर, ज्यादा नहीं करें क्योंकि ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा टेक्सचर आएगा। थोड़ा बहुत एक्सफोलिएट करा करें वंस अ वीक और अच्छे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाया करें अपने स्किन पे। टेक्सचर जो है वो मेकअप के साथ इनहेंस ही होता है, छुपता नहीं है। पर ये है कि अगर आप थोड़े ब्लरिंग प्राइमर यूज करेंगे तो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा वो, पर उसके लिए आपको स्किन केयर ही करना पड़ेगा, अकेले मेकअप से नहीं होगा। मेकअप तभी अच्छा होता है अगर आपकी स्किन अच्छी होती है। तो मेरी स्किन स्मूथ सी लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि मैं स्किन केयर पे काफी ज्यादा समय स्पेंड करती हूँ। दूसरी चीज है कि मेरे जो स्कार्स हैं वो टेक्स्चर वाले नहीं है, वो हाइपर पिगमेंटेशन है। वैसे ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है पर वैसे काले हैं। या दैट्स स्टोरी अबाउट माई स्केरी स्कार्स। आई हेट माई स्कार्स। समटाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ उनको लेके, पर की करिए, जाते जाते जाएंगे वो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ बस इतना ही। मैं अपने बालों को मैनेज करूंगी कुछ देर में। पहले मैं सोच रही थी कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, पर नहीं, ऐसा गाल नहीं बनेगी। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज की इस फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन वीडियो के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी कवरेज मिली और आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड है या नहीं। और अगर आपके पास कोई मेकअप से रिलेटेड और रिक्वेस्ट है तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। बाय लालू।